मैंने देखा है कि क्लासरूम्स के अंदर टीचर्स सर्टनली या ऑब्वियसली एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करते हैं कि भाई देखो वो नबीला ने ए प्लस ग्रेड लिया है और जमीला ने तो बी ग्रेड लिया फेवरेटिज्म बहुत है हमारी चलिए तो वो फेवरेटिज्म तो है, है ही ना उसको तो हम डिस्कस नहीं करते लेकिन इस इस आ, 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 स्ट्रेस के पीछे बहुत बड़ी रीजन टीचर्स का पेरेंट्स का बिहेवियर है बिल्कुल घरों के अंदर सिबलिंग्स के दरम्यान कंपैरिजन किया जाता है कि बड़े भाई ने ए प्लस ग्रेड लिया है भाई तुम तो बी भी, भी नहीं ले सके या फला कजन ने वो फुफो के बेटे ने तो माशाल्लाह आई मीन आए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो जमीला तुम तो आई मीन बी ग्रेड भी नहीं ले सके तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाओगी तो वो तुम्हारा रिश्ता कैसे उसके साथ तो ये जो पेरेंट्स कंपेरेटि माइंड सेट के साथ जब बच्चे को प्रेशराइज करते हैं तो यकीन मानें कि ये चीज़ बच्चों को बच्चों के अंदर डिप्रेशन पैदा करने का exactly. बायस बनती है तो मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप बच्चे की यूनिकनेस को समझें और आपको क्यों नहीं समझ आती कि जो मार्क्स हैं ग्रेड्स हैं ये आपके बच्चे की काबिलियत का वो वाद टेस्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि मेरा बच्चा काबिल है लायक है फाइक है ये ये मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम दुनिया का कोई इदारा अगर आपके बच्चे को फेल कर रहा है तो वो एजुकेशन सिस्टम फेल है वो इदारा फेल है क्योंकि दुनिया का कोई रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे की काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकता उसकी ये बातें मैं कोई आई मीन I mean, ऐसे नहीं कर रहा कि जी uh, कोई बुकिश अप्रोच के साथ बात कर रहा करूँ ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस सारे के सारे, सारे सिस्टम को ना सिर्फ समझा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बल्कि उसके साथ-साथ दुनिया में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं मैंने उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है देखें दुनिया में जो बहुत सी लर्निंग डिसेबिलिटीज डिफाइन हुई लर्निंग डिसऑर्डर्स डिफाइन हुए उसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, थी उसके पीछे मार्केट फोर्सेस और uh, जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट थे वो इन्वॉल्व थे तो जो मॉडर्न स्कूलिंग है मॉडर्न स्कूलिंग में जो प्रैक्टिसेस राइज़ की गई हैं ये सारे का सारा बिजनेस हो रहा है अब यहाँ पे बहुत से स्कूल ऑनर्स मेरी ये बात सुन के नाराज भी होंगे वो कहेंगे कि ये देखें ये हमें डायरेक्ट हिट कर रहा है लेकिन ये रियलिटीज हैं हम आ, हम अपनी सारी की सारी एफर्ट स्कूल्स में आ, किस एक चीज पे करते हैं कि नंबर आ जाए तमाम स्कूल्स की परफॉर्मेंस को स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ गेज किया जाता है आपको तमाम बड़े स्कूल्स के बाहर जिन दिनों रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं सोशल मीडिया पर फिजिकली आप देखें तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नज़र आएंगे कि इतने बच्चों ने ए प्लस ग्रेड ले लिया इतने बच्चे जो हैं वो मेडिकल uh, कॉलेज में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में चले गए तो भाई मुझे ये बताएं कि अगर आपके स्कूल में वन थाउजेंड स्टूडेंट्स पढ़े हैं और उसमें से बीस स्टूडेंट्स ने या सौ ने लेट्स पोस्ट ए प्लस ग्रेड ले लिया है ओ भाई वो जो लाखों स्टूडेंट्स जिन्होंने सी ग्रेड लिया है बी ग्रेड लिया है आप उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो नलायक और नकम्मे हैं बिल्कुल ये सिस्टम नलायक और नकम्मा exactly. है वो बच्चे नालायक और नकम्मे नहीं है इस हवाले से जवेरिया मेरे जहन में वो बात आ गई है हार्वर्ड गार्डनर की उसने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में बताया कि भाई हम स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को आ, 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 समझते हैं कि ये आईक्यू ही सब कुछ है और हमने समझा हुआ है कि एक बच्चा अगर अपना आईक्यू हाई रखता है तो वही सिर्फ लाइक फाइक है वही सही ना दुनिया में नौ किस्म की इंटेलिजेंसेस हैं उसने आ, जिन इंटेलिजेंसेस का जिक्र किया उसमें वर्बल इंटेलिजेंस है उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है एक्जिस्टेंशल इंटेलिजेंस नुमेरिकल इंटेलिजेंस डेटा इंटेलिजेंस टेजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस kinesthetic इंटेलिजेंस तो आई मीन आपकी क्लास में हर किस्म का बच्चा है hmm. और हर बच्चे ने नंबर नहीं लेने hmm. देखें अगर हर बच्चा नंबर ले ले तो फिर तो ये दुनिया का निज़ाम नहीं ना चल सकता hmm. हर बंदे की कुछ नेचुरल प्रेफरेंसेस हैं हर बच्चे का एक पढ़ने का मिजाज है hmm. uh, किसी बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बहुत होगा तो इट मीन्स कि वो बाई डिफ़ॉल्ट कनेटिक इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ है किसी बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा कि वो uh, लिखारी बहुत अच्छा होगा वो लिखता बहुत अच्छा होगा वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि uh, आप उनको कोई फिजिकल काम देंगे वो उनसे नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि भाई स्टेज पर आकर तकरीर करें तो वो बच्चे बहुत अच्छे से तकरीर कर रहे होंगे वो बच्चे दूसरों से सोशलाइज बहुत अच्छे से करते हैं तो उनके अंदर आई मीन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी कुछ बच्चे गुमसुम खामोश हर वक्त सोचते रहना आइडियाज पे बात करना आइडियाज़ को सोचना उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी कुछ बच्चे नात पढ़ी अच्छी पढ़ते हैं किर, किरात बहुत अच्छी करते हैं गाना बहुत अच्छा गाते हैं उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं आई uh, मीन I mean, आप देखें कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े नाम हैं शाहिद अफरीदी शोएब अख्तर बाबर आजम

क्लासरूम्स के अंदर जब टीचर्स कंपैरिजन करते हैं तो जो ए प्लस ग्रेड लेने वाला बच्चा है वो इस वजह से भी स्ट्रेस में रहता है कि जब उसका बी ग्रेड आएगा तो वो फेस सेविंग कैसे करेगा बिल्कुल जो फर्स्ट पोजीशन लेने वाला बच्चा है वो परेशान है कि उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन कैसे करना है और जो सेकेंड पोजिशन लेने वाला बच्चा है वो इस रेस में है कि उसने पहली पोजिशन कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ मैंने आ, मैं क्लास में गया तो वहां पे मुझे टीचर ने बताया कि एक लड़की क्लास में मुझे ये कहती है कि मैडम मैं तो दुआ कर रही हूँ कि फला लड़की बीमार ही रहे क्योंकि अगर वो ठीक होगी तो वो पहली पोजीशन ले लेगी अब देखें इसमें आपको कोई मैसेज मिल रहा है का माइंडसेट इतना मतलब उन्होंने कर दिया कि आप इसमें कोई मैसेज ले रही हैं बिल्कुल ये एक इतना बड़ा मैसेज मिल रहा है कि आपका एजुकेशन सिस्टम एक बच्चे के अंदर एथिक्स को डेवलप करने, exactly. करने की बजाय एक एनर्जी डेवलप करने की बजाय कि भाई आओ हम मिल के काम करें आओ हम मिल के चलें इतना आपने उसमें कंपटीशन डेवलप कर दिया है कि एक छोटी बच्ची ये कह रही है कि मैं दूसरी क्लास फेलो के लिए दुआ करती हूँ बीमार ही रहे और हुँ. वो एग्जाम्स ना दे सके चूंकि उसको ये डर है कि अगर वो एग्जाम्स देगी तो शायद वो उससे उसकी पहली पोजीशन छीन लेगी बिल्कुल सो दिस इज दाइड माइंड सेट डेट वी हैव अमंगस्ट स्टूडेंट्स ड्यू टू दिस